नमस्कार, ये तस्वीरें आपको कैथल के चंदाना गेट स्थित सैनी धर्मशाला की दिखाई जा रही हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभिग्रह कार्यक्रम में पहुंची हैं पार्षद राज सैनी, सैनी धर्मशाला के प्रधान धर्मवीर सैनी समेत तमाम सैनी समाज के मौजूद व्यक्ति चेयरपर्सन का स्वागत कर रहे हैं। चेयरपर्सन सुरभिग्रह सैनी धर्मशाला में लगभग 60 लाख की लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन कर रही है और सैनी समाज की महिलाएं भी चेयरपर्सन का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत कर रही हैं। आइए बातचीत करते हैं चेयरपर्सन सुरभिग्रह से कि विकास कार्यों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और पूरे सैनी समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है सैनी समाज आज जो सैनी का अर्थ होता है वो तो हर समय भव्य है और बहुत ही शायद भव्य लोग हैं ये, जिन्हें हर समय भव्य रहने की आदत है, भव्य में जीते हैं। और एक छोटा सा नगर परिषद की तरफ से एक छोटा सा इन्हें तोहफा दिया, शायद इनके लिए बहुत छोटा है ये, लेकिन मैं इनका ऋण जब तक आखिरी सांस तक नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि राजनीति में इन्होंने मेरे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो इलेक्शंस में मेरे इलेक्शन में जो इन्होंने अहम भूमिका निभाई है उसका ऋण तो शायद मैं अंतिम सांस तक नहीं चुका पाऊंगी। आज तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार। क्या कुछ किया गया मैडम आज जी? यहाँ पर एक 60 लाख रुपए की लागत से एक हॉल का निर्माण कराया गया है, यहाँ रसोई का, शौचालय और शेड का निर्माण किया गया है यहाँ पर, और यहाँ एक सैनी धर्मशाला और अमरगढ़ ग्रामीण में है जिसका 31 लाख रुपए की लागत से काम चल रहा है। मैम अभियान चला हुआ उसको लेकर जी, हर घर तिरंगा अभियान जी, बिल्कुल देशभक्ति। ये तो सिर्फ 15 अगस्त की बात करें या 26 जनवरी की, मैं तो कहूंगी हर दिन तिरंगा और जोड़ लीजिए, हर घर तिरंगा और हर दिन तिरंगा। हर दिन घर से निकलते हुए जैसे हम अपने भगवान को प्रणाम करते हैं और एक प्रणाम अपने झंडे को भी करें, हर दिन तिरंगा मनाएं। तो किस उद्देश्य के साथ लगातार सुरभि सरकार काम करती हुई नजर आ रही है? लगातार विकास कार्यों में गति जो है वो साफ तौर पर तेज देखी जा सकती है जी, बिल्कुल। हमारे पार्षदों के साथ सिर्फ एक ही लक्ष्य रहता है कि इस शहर का विकास कैसे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करके लोगों को नायब सैनी जी की नीतियों का, भाजपा सरकार की नीतियों का फायदा पहुंचा सके, ताकि अंतिम क्षण अंतिम पंक्ति में भी जो व्यक्ति खड़ा हो उसको लाभ पहुंच सके। बस यही हमारा उद्देश्य है और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे सभी पार्षद भी ऐसे ही सोच रखते हैं। उद्घाटन आज हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि जब से सुरभि सरकार कैथल शहर की सरकार संभाली है तब से विकास कार्यों की जड़ी लगी हुई है। उसमें एक ये नया आयाम है जो आज जुड़ा है, इसमें सारे ब्लॉक वगैरह लगभग एक एकड़ के करीब ब्लॉक लगे हैं इसमें, और ये शेड वगैरह, महिला शौचालय है, कुछ रूम्स है, काफ़ी काम हुआ रसोई का भी है। तो मैं अनुरोध करूंगा ऐसे ही पूरे शहर का और हमारे समाज का कार्य चलता ही रहे। तो अब तक जैसे 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सुरभि सरकार का, तो कहाँ देखते हैं 2 साल के कार्यकाल को, कितना जो है अपने वादों पर सुरभि सरकार खरा उतर पाए? अपने वादों पर बिल्कुल खरा उतर रही है और बिल्कुल आगे 2 साल में ही इतना काम कर दिया और 3 साल में तो बहुत ज्यादा बहुत काम होने बाकी है। तो लगते ने जो विकास करवाया था उसको कहीं ना कहीं अब पीछे छाड़ दिया? वो विकास तो कभी का पीछे पिछड़ चुका है, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहते थे करवाया है, वो कहता था कि मेरी बल्ब नहीं पलटवा सकते, हमने लाइटें ही पलटवा दी। मैं सबसे पहले हमारे चेयरपर्सन सुरभिग्रह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 2 साल हो गए हमें मने हुए, पहले 6 महीने 1 साल तो हमारा ऐसे निकल गया क्योंकि हमें पता नहीं था काम काज कैसे होते हैं कैसे नहीं। और मैंने चेयरपर्सन हमारे सुरभिग्रह जी को बोला कि हमारे पूरा मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहते हैं कि ये मैंने अधूरी छोड़ दिया, इसको मैं ही पूरा करूँगा। और मैंने हमारे चेयरपर्सन सुरभिग्रह जी को बोला, चेयरपर्सन सुरभिग्रह जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि जितनी जल्दी हो सके कि आपके अंदर काम कराने की हिम्मत होनी चाहिए कि आपके भवन के अंदर कभी भी काम नहीं रुकेगा। और लगातार 1 साल से चाहे रसोई का काम हो, हमारे यहाँ रसोई नहीं थी, रसोई मणि, रसोई का शेड लग गया, शालों के लिए शेड लग गया, 1 एकड़ प्लस के आसपास थे जो ब्लॉक लग चुके हैं। सबसे बड़ी बात, महिला शौचालय नहीं था हमारे यहाँ पे, वो महिला शौचालय मन के तैयार हो चुका है। और अभी हमारी चेयरपर्सन जी और घोषणाएं करेंगी, अब देखते हैं घोषणा के अंदर क्या क्या मिलेगा।